हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। तो आइए शुरू करते हैं आज कुछ नई और इंटरेस्टिंग पहेलियाँ। पहेलियाँ शुरू करने से पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं पहेली नंबर वन। एक अमीर के और एक गरीब के घर में आग लग जाती है, पुलिस किसके घर की आग को पहले बुझाएगा? सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है पुलिस आग नहीं बुझाती है, आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड को बुलाना चाहिए। अब देखते हैं पहेली नंबर टू। मोबाइल में डायलिंग पैड के नंबरों को आपस में गुणा करने पर क्या अंक प्राप्त होता है? सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है जीरो, शून्य। अब देखते हैं पहेली नंबर तीन। एक मेज पर प्लेट में दो सेब हैं, उसे तीन आदमियों को किस तरह बराबर बांटेंगे? सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है एक मेज पर प्लेट में दो सेब हैं, मतलब कि तीन सेब हैं और तीनों आदमियों को एक एक सेब दे देंगे और तीनों आदमी एक एक सेब खा लेंगे। आपको मेरी पहेलियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। अब देखते हैं पहेली नंबर चार। तीन लगातार दिनों के नाम बताइए जिनमें मंगलवार, गुरुवार और शनिवार नहीं आना चाहिए। सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है यस्टरडे, टूडे एंड टुमारो। अब देखते हैं पहेली नंबर पाँच। उस चीज़ का नाम बताओ जो पूरे महीने में एक बार आती है और 24 घंटे हो जाने पर अपने आप चली भी जाती है। सोचिए सोचिए। टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री। इसका उत्तर है तारीख। आपको मेरी पहेलियाँ कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। और नई नई पहेलियों के लिए बने रहिए मेरे चैनल के साथ में। थैंक यू।